दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के ऐसे दिव्य चमत्कारी मंदिर के बारे में बताएंगे जहां से आज तक कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के इस मंदिर में हर मुराद गारंटी के साथ पूरी होती है। दोस्तों, मरघट वाले हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है तथा उन 5 मंदिरों में से एक है जिसे पांडवों ने महाभारत काल में बनवाया था। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगभग 7-8 फुट नीचे है। मरघट वाले हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को स्वयंभू बताया गया है, यानी यह बाबा स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर में स्वयं माँ यमुना साल में एक बार उनके चरण अभिषेक के लिए आती है। मरघट वाले बाबा के मंदिर के समीप यमुना नदी का जल स्तर साल में एक बार इतना अधिक बढ़ जाता है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु चमत्कार तो ये है कि जैसे ही यमुना का जल मंदिर में चढ़ हनुमान जी के चरण स्पर्श कर लेता है, वैसे ही अपने आप ही जल का स्तर कम होने लगता है। इस मंदिर के संबंध में पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे तो हनुमान जी ने इसी स्थान पर रुककर थोड़ा विश्राम किया था। उस वक्त यहाँ शमशान हुआ करता था और यमुना नदी मंदिर के किनारे से गुजरती थी, इसलिए इसे मंदिर को मरघट मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, मरघट वाला चमत्कारी हनुमान मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जहाँ केवल हनुमान जी के दर्शन के लिए लाखों में भक्त लोग आते हैं तथा हनुमान जी के केवल झलक पाने के लिए एक एक घंटे लाइन में लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर के संबंध में ऐसी मान्यता है कि यहाँ गारंटी के साथ हर मनोकामना पूर्ण होती है। मरघट वाले हनुमान बाबा ने अपना चमत्कार उनके एक भक्त दिव्या शर्मा के साथ भी दिखाया, जिनके जीवन से जुड़ी यह सत्य कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दिव्या शर्मा दिल्ली में ही भजनपुरा में अपने पति और अपने एक बच्चे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु कुछ साल पहले उनकी जिंदगी ठीक इसके विपरीत हो गई थी। दरअसल उनके पति मनोज शर्मा दिल्ली में ही एक निजी कंपनी में काम करते हैं। एक दिन मनोज को हल्की सी खांसी उठी जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, परंतु धीरे धीरे जब यह खांसी बढ़ने लगी तो दिव्या अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ और परहेज बताकर वापस भेज दिया। कुछ दिनों तो स्थिति सामान्य रही, परंतु ऑफिस की छुट्टी वाले एक दिन मनोज अपनी पत्नी की मदद हेतु सब्जी लाने बाहर गए। जैसे ही वह सब्जी खरीद के घर वापस लौट रहे थे कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वो जोर से नीचे जमीन पर गिर पड़े। वहाँ कुछ ही झड़ों में उनके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। आनंद फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें आईसीयू के लिए डॉक्टर ने तुरंत रेफर कर दिया। दिव्या का वहाँ रो रो कर हालत ख़राब हो रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। दिव्या ने मरघट वाले हनुमान जी बाबा के बारे में सुना था। उस समय केवल हनुमान बाबा ही दिव्या के ध्यान में आ रहे थे। दिव्या वहीं अपने पति के बेड में बैठी अपने दोनों हाथ जोड़ अपने मन में बोली, हे मरघट वाले बाबा, तुझे आज मेरी लाज रखनी है। अपनी इस बच्ची पर कृपा करो बाबा। मेरे पति अगर इस खतरे से बाहर निकल गए तो मैं आपके दर्शन को आऊंगी। बाबा, अपनी बच्ची की पुकार सुनो। मैंने सुना है आज तक तुमसे मांगी कोई दुआ खाली नहीं गई है, तो मेरी भी सुन लो बाबा, मेरी भी सुन लो। दोस्तों, बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि करीब आधे घंटे बाद मनोज को होश आ गया और उसने वहीं बेड पर लेटे लेटे दिव्या का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ एक अजीब घटना हुई है। जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मैंने एक संत को देखा, पर वह बड़ा ही विचित्र था। उसने डंडे से मुझे मारते हुए कहा कि तू क्यों मेरी बेटी को रुला रहा है, घर जा। दिव्या अपने पति के इन बातों को अब समझ चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और बाबा को मन ही मन याद करती रही।
शीघ्र ही मनोज की हालत में सुधार आने लगा और 2 हफ्ते के अंदर ही मनोज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। और जैसा कि दिव्या ने वादा किया था, वह अपने पूरे परिवार के साथ मरघट वाले हनुमान बाबा जी के दर्शन को गई। दोस्तों, मरघट वाले हनुमान बाबा जी बहुत ही चमत्कारी हैं, इसलिए अगर आप भी किसी भारी विपदा से जूझ रहे हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय मरघट वाले बाबा।